आधी आबादी के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समाज सशक्त हो सकेगा। आज सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर बल दे रही है, तरह तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी समाज में थे जो आज से 30-35 साल पहले महिलाओं के विकास के लिए, आधी आबादी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए क्रियाशील रहे। ऐसे ही शख्सियत हैं समाज से भी, परमहंस प्रसाद सिंह आज हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। परमहंस जी, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आए? बिहार में भूदान ग्रामदान आंदोलन चल रहा था बिलवा जी के द्वारा, जिसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे श्रद्धे जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण बिहार में ग्राम स्वराज के लिए ग्रामदान का आंदोलन का नेतृत्व करते, जब मुजफ्फरपुर आए उन्होंने कुछ नौजवानों को आह्वान किया।